पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियां पैदा लेता, न ओबेसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता। हमेशा उन्माद फैलाने की बात करते हैं, दो भाइयों के बीच में टकराहट करने की बात करते हैं, जवान जब्त हो जाए उन लोगों की जो ये हरकतें कर रहे हैं, वो बात ही ऐसा करते हैं जो सुर्खियों में रहे। 70 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों से भूल नहीं होती कि देश के बंटवारे में अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियां पैदा लेता, न ओबेसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता, न भारत को गजवाए हिंद की बात करता। आज हमारे ऊपर ही बजरंग दल को कह रहे हैं कि इस पर लगना चाहिए पाबंदी, और ये 70 साल पहले। देश का दुर्भाग्य है, हमारे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई, और वही भूल का खामियाजा आज की पीढ़ी भोग रही है। और ऐसे ऐसे लोग गजवाए हिंद की चर्चा करते हैं, चाहे जाकिर मियां हो, चाहे मदनी हो, चाहे ओबेसी हो, और चाहे सर तन से जुदा के नारे लगा। वो बात ही ऐसा करते हैं जो सुर्खियों में रहे, उन लोगों से कोई भी काम से मतलब नहीं, न विकास से मतलब है, न देश से प्रेम है, न देश की जनता से प्रेम है। उनको सिर्फ प्रेम है अपनी कुर्सी से, स्वार्थ से। क्या कब बोलना है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमको अफसोस इस बात की है कि अफसोस मुझे इस बात की है कि जनता ने बड़े उम्मीद के तहत ऐसे लोगों को दिल्ली और पटना भेजती है। तो विकास की बात करना चाहिए, काम की बात करना चाहिए। वो हमेशा उन्माद फैलाने की बात करते हैं सुर्खियों में आने के लिए। उनको लगता है ये रास्ता शॉर्टकट है, मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता की मेहनत, हमारे नेता कर्म, जो लोगों को विश्वास आस्था है हमारे नेता के ऊपर, आपने देख रहा है कि देश के लोग विश्वास उनके ऊपर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले, मैं कुछ नहीं कहूँगा, कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हमेशा टेढ़ा मेढ़ा बात करते हैं, हमेशा उलट उलट बातें करते रहते हैं, हमेशा विवादित बात करते रहते हैं, लेकिन उनके नेता लोग कोई नहीं बोलता है, क्योंकि कुछ सिखाया गया है। तो निश्चित तौर पर बताना चाहूँगा, कुछ नहीं बोलना है, 24 में इस बार जवाब जनता है एकदम निश्चित देगी, आप देखिए। एक कब का कोई इतने से कहना, ये लगता है कि हमेशा संविधान की उन्होंने बात कब की ही, हमेशा न्यायालय को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं, न संविधान के दायरा में चलते हैं, हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं जिसका हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये बड़े नेता लोग हैं जो भी बात करते हैं, हमें खुद है, हम लोग आगे मानने नए, हम लोग MLA बने, मंत्री बने, मुझे समझ नहीं आता ऐसी हरकत क्यों देश को बर्बाद करना चाहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि देश का जब भी संकट में रहा है, कभी इन्होंने मदद नहीं किया, आप भी जानते हैं इनके लोग कभी नहीं मदद किए हैं। आप बता दिए कि ना जितने भी हमारे बुजुर्ग थे, महापुरुष थे, जिन्होंने देश को बचाने के लिए देश के सम्मान कुर्बानियां दी हैं, उस एक व्यक्ति का नाम है क्या? आज लूटने के लिए, हम सबको परेशान करने के लिए आ रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हें दुखित हूँ, देश हमारा बर्बाद हो रहा है। कभी बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं, जो उन्होंने बात पहले कही थी, उनका नेता ने कहा था, उस पर कभी बात नहीं करते हैं, हमेशा उन्माद फैलाने की बात करते हैं, दो भाइयों के बीच में टकराहट करने की बात करते हैं। इसका जवाब हमारे नेता नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, देश के लोग उनके साथ हैं। निश्चित तौर पर मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जवान जब्त हो जाए उन लोगों की जो ये हरकतें कर रहे हैं। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।